Hello everyone. In this tutorial we will learn about magnetic disk. अगर आपने last tutorial देखा है उसमें हमने क्या था sequential access devices जिसमें हमने magnetic tape के बारे में पढ़ा था. In this tutorial we will learn about direct access device जिसमें हम magnetic disk को cover करेंगे और उसके तीनों types floppy disk, zip disk and hard disk. नाउ मैग्नेटिक डिस्क को आप कैसे समझ सकते हो? ग्रामोफोन सबने देखा हुआ है मूवीज में या सीरियल में सबने देखा होगा. नाउ इस ग्रामोफोन में जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है, जो डिस्क बनी हुई है सर्कुलर, इसी प्रिंसिपल पर बेस हमारे कंप्यूटर की मैग्नेटिक डिस्क होती है. एक मैग्नेटिक मटीरियल की कोटिंग होती है इस डिस्क के ऊपर जिसपे डेटा स्टोर करते हैं हम. सो सिमिलर प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारे कंप्यूटर की मैग्नेटिक डिस्क होती है. सो इस पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हो कंप्यूटर के मैग्नेटिक डिस्क, सेम प्रिंसिपल यूज होता है. नाउ कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है वो ऐसी दिखाई देती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी बीच में एक सर्कुलर डिस्क बनी हुई है ये ग्रे कलर की. दिस इज योर मैग्नेटिक डिस्क. ओके, नाउ आप अगर इस डिस्क को ध्यान से देखो तो यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगुलर पोर्शन बना हुआ है. दिस इज योर डिस्क आर्म. ये ही रीड राइट के लिए यूज होता है, दिस आर्म, ARM आर्म. ओके, सो मैग्नेटिक डिस्क इज अ फ्लैट डिस्क, बिल्कुल फ्लैट होती है. इट इज कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड इंफॉर्मेशन. बिकॉज इट इज मैग्नेटिक डिस्क इसलिए इस पे मैग्नेटिक कोटिंग होती है. दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम, क्योंकि रैम आपकी मेन मेमोरी डिवाइस है. ऑफकोर्स वो महंगी होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी. सो मैग्नेटिक डिस्क क्योंकि आपकी सेकेंडरी डिवाइस है, इट इज लेस एक्सपेंसिव. नाउ आपको एक चीज याद रखनी है, मैग्नेटिक डिस्क आपकी रैम से तो सस्ती है बट मैग्नेटिक टेप जो अभी हम करके आए हैं उससे महंगी होती है ये. नेक्स्ट इज इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्योंकि हमारी सेकेंडरी डिवाइस है. बट डेटा एक्सेस रेट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी. वो हमने हायरार्की में भी किया है कि जो लास्ट में हायरार्की में आती है डिवाइसेस, जो आपकी सेकेंडरी डिवाइस है, उनका एक्सेस रेट स्लो होता है. नाउ अगेन एक जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपकी मेन मेमोरी के कंपैरिजन में तो स्लो है बट आपके मैग्नेटिक टेप से ये फास्टर है. सो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, दिस इज योर मेन मेमोरी, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है वो मैग्नेटिक टेप के कंपैरिजन में पहले आएगी हायरार्की में. बिकॉज मैग्नेटिक डिस्क इज फास्टर एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप, प्लस इट इज कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप. ये आपके लिए याद करने के लिए इजी रहेगा. अगेन इसके अंदर आप डेटा को बहुत इजिली मॉडिफाई कर सकते हो. डेटा कैन बी मॉडिफाइड और कैन बी डिलीटेड इजिली. इसमें भी आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होगा क्योंकि सेकेंडरी डिवाइस है. नाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ द डिस्क. जो आपकी सर्कुलर डिस्क है इसके दोनों साइड पे ऊपर और नीचे डेटा स्टोर कर सकते हैं हम. दिस इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस. डायरेक्टली आप किसी भी मेमोरी सेल पे जा सकते हो क्योंकि उसी के अंदर हमने कैटेगराइज किया हुआ है. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी डिस्क होती है उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स जिसमें सेंटर आपका सेम रहता है, सिर्फ रेडियस या डायमीटर डिफरेंट होता है. दीज आर योर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सो इस डिस्क के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं. उन सर्कल्स को हम बोलते हैं ट्रैक. दिस इज योर ट्रैक वन, ट्रैक टू, ऐसे बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं और उन्हीं ट्रैक के ऊपर आपका डेटा स्टोर करते हैं हम. ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या क्या है. दीज आर इकोनॉमिकल मेमोरी बिकॉज मेन मेमोरी से सस्ती है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम किसी भी डेटा को, इसलिए ये फास्ट भी होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं बिकॉज दीज आर सेकेंडरी मेमोरी एंड इट हैज बेटर ट्रांसफर रेट देन मैग्नेटिक टेप. ये भी हम इंट्रोडक्शन में भी कवर कर चुके हैं. इट इज लेस प्रोन टू करप्शन ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू टेप. मतलब इसमें आपके डेटा सिक्योरिटी ज्यादा है, करप्ट होने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप.
रीयूजेबल, आप बार बार इसमें डेटा को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रीड कर सकते हो डेटा को बार बार. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट इज दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम, ये अच्छी बात है, बट दीज आर मोर एक्सपेंसिव देन मैग्नेटिक टेप. अभी हमने क्या था, मैग्नेटिक टेप के कंपैरिजन में ज्यादा महंगी है. अगेन जैसे मैग्नेटिक टेप को स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क को भी स्टोर कर सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनको कहाँ स्टोर करने हैं. इट शुड बी क्लीन एंड डस्ट फ्री एनवायरमेंट. अगर डस्ट होगी, गंदा होगा, तो आपका डेटा करप्ट हो जाएगा, आपकी डिस्क खराब हो जाएगी. नाउ दीज आर लेस पोर्टेबल एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप. एंड लास्ट वन इज दीज आर नॉट सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस बिकॉज वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज हैं. ओके, सो ये थे मैग्नेटिक डिस्क, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ मैग्नेटिक डिस्क के फर्दर कैटेगरीज हैं, दीज आर योर फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड योर जिप डिस्क. इनको हम वन बाय वन सबको ब्रीफ में कवर करेंगे. फर्स्ट इज योर फ्लोपी डिस्क. ना फ्लोपी डिस्क आपकी ऐसी दिखाई देती है कि ऊपर से एक केस बना हुआ, प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, अंदर से वो डिस्क की शेप में ही होती है, सर्कुलर होती है. नाउ अगेन फ्लोपी डिस्क में भी आपके मैग्नेटिक कोटिंग होती है. देखो क्यों होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में आती है. सो मैग्नेटिक डिस्क में मैग्नेटिक कोटिंग है, इसलिए उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी है, वेदर यूर फ्लोपी डिस्क, जिप डिस्क या फिर हार्ड डिस्क, सब में मैग्नेटिक कोटिंग होती है. नेक्स्ट इज इट इज पैकेज्ड इनसाइड अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक एनवलप. ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक एनवलप है, ये डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि डिस्क आपकी खराब ना हो. नेक्स्ट वन इज दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज. शुरू में जो हमारी पोर्टेबल डिवाइसेज आई थी, जिसको आप बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, उसमें आपकी फ्लोपी डिस्क थी, बहुत पहले यूज होती थी, और इसके अंदर आप 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकते हो. नाउ देखो, शुरू में जब फ्लोपी डिस्क आई थी, उस टाइम 1.44 MB काफी ज्यादा डेटा होता था, बट राइट नाउ 1.44 MB हमारे लिए बहुत कम स्पेस है. मतलब एक सिंगल फाइल हमारी 12-15 MB सिंपल सी फाइल हो जाती है. सो 1.44 MB बहुत कम है अब के टाइम के अकॉर्डिंग. जिस टाइम फ्लोपी डिस्क आई थी, उस टाइम बहुत ज्यादा स्पेस होता था. इट इज चीपर देन एनी अदर स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा डेटा स्टोर करना, थोड़ा सा स्पेस होता था, तो वो बहुत सस्ती होती थी. एंड पोर्टेबल तो है ही, आपको इमेज में देख के भी पता चल रहा है, आप अपने पॉकेट में लेके बहुत आराम से जा सकते हो. बट क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, आजकल ये यूज नहीं होती है, क्योंकि आजकल हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई है. सो फ्लॉपी डिस्क आजकल हम यूज नहीं करते हैं. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें आप 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकते थे. नेक्स्ट इज योर जिप डिस्क. नाउ कैसे दिखाई देती है, ये आप इमेज से देख सकते हो. फर्स्ट इमेज है आपके जिप डिस्क कैसे दिखाई देती है. नाउ जिप डिस्क को रीड करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, हमें अलग से एक हार्डवेयर यूज करना पड़ता है. दैट हार्डवेयर इज जिप ड्राइव. सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो एक जिप ड्राइव बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसके अंदर एक जिप डिस्क डाली हुई है. ओके, नाउ व्हाट इज जिप डिस्क. इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क. जैसे फ्लॉपी डिस्क होती थी, वैसे ही होती थी. द ओनली डिफरेंस इज इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क. नाउ किसने बनाई थी ये, दिस वॉज डेवलप्ड बाय आईओमेगा. ओके, इसको यूज करने के लिए आपको अलग से एक हार्डवेयर की जरूरत है, एक ड्राइव की जरूरत है. दैट ड्राइव इज नोन एज जिप ड्राइव, जो आपको इमेज में भी दिखाई दे रही है, सेकेंड इमेज में. दिस इज योर जिप ड्राइव, इसके अंदर आपने जिप डिस्क डाली हुई है. नेक्स्ट इज, अब ओके, इम्पोर्टेंट क्या है. नाउ देखो, अभी हमने बात की थी कि ये एडवांस्ड वर्जन है फ्लोपी डिस्क का. सो डिफरेंस क्या है स्टोरेज कैपेसिटी में. फ्लोपी डिस्क में आप 1.44 MB डेटा डाल सकते हो एक फ्लोपी डिस्क में. इसमें एक जिप डिस्क में आप
100 MB से लेके 250 MB तक डेटा डाल सकते हो ना। 1.44 के कंपैरिजन में 100 और 250 MB काफी ज्यादा है। ओके सो ये उसका एडवांस वर्जन था जिसमें आप ज्यादा डेटा डाल सकते हो। नाउ अगेन 100 MB और 250 MB आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी छोटी छोटी फाइल भी इससे ज्यादा की होती है। सो अगेन अब आजकल हम इनको यूज नहीं करते हैं क्योंकि इससे बेटर हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस आ गए। आजकल पेन ड्राइव भी हमारी GB में आती है, 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, राइट। सो ये MB में जो हमारी जिप डिस्क है वो यूज नहीं होती आजकल। नेक्स्ट इज योर हार्ड डिस्क। नाउ हार्ड डिस्क कैसे दिखाई देती है, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इसमें देखो बहुत सारी डिस्क बनी हुई है, 1, 2, 3 डिस्क लगी हुई है। सो इन हार्ड डिस्क एक से ज्यादा डिस्क लगी होती है, एक के ऊपर एक करके उनका स्टैक बना होता है जिसमें आपका डेटा हम स्टोर करते हैं। नाउ अगेन इसमें आर्म्स होती है, हियर यू कैन सी दिस इज फर्स्ट आर्म। हार्ड डिस्क के लिए अपनी अलग से एक आर्म बनी हुई होती है। ओके आप जस्ट इमेजिन दिस, बहुत सारे आपके डिस्क एक के ऊपर एक करके आपने रखे हुए, उनके बीच में स्पेस है थोड़ा थोड़ा, और जितने भी डिस्क है सबको एक्सेस करने के लिए एक आपने ट्रायंगुलर आर्म लगा रखी है। सो अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर। इसमें जितने भी डिस्क है सबको हम बोलते हैं प्लेटर, विच आर माउंटेड ऑन अ कॉमन स्पिंडल। नाउ व्हाट इज स्पिंडल, जो सेंटर में इनको होल्ड कर रखा है जिसमें सारे डिस्क को, उनको हम बोलते हैं स्पिंडल। नाउ ईच सरफेस ऑफ अ प्लेटर इज कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारे मैग्नेटिक डिस्क के पार्ट है, सो इसमें भी हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ सरफेसेस ऑफ ईच डिस्क आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम डिस्क वेयर ओनली द इनर सरफेस इज यूज। दैट मीन्स नाउ मान लो आपकी हार्ड डिस्क में हमने बहुत सारी डिस्क लगा रखी हैं, से 5 डिस्क आपने लगा रखी हैं। उन 5 डिस्क में से जो सबसे टॉप पे है और जो सबसे बॉटम पे है, उन दोनों को छोड़ के बीच में जितनी भी डिस्क है उनमें आप दोनों साइड डेटा स्टोर कर सकते हो, बट जो टॉप और बॉटम पे है उसमें आप सिर्फ वन साइड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और वो भी आपकी इनर साइड होगी। ठीक है, ऊपर की साइड जो बाहर की साइड है वहां आप डेटा स्टोर नहीं करते हो। नाउ जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको हम रीड कैसे करते हैं, यूजिंग रीड राइट हेड। जो ये आर्म बनी हुई है इसके सबसे आगे एक हेड बना हुआ होता है, उसके थ्रू हम इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। अगर आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखें, जितनी भी डिस्क बनी हुई है सबके ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। ये हमने मैग्नेटिक डिस्क के स्टार्टिंग में भी किया था, मैग्नेटिक डिस्क में आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, और हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है तो इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं। These heads are joined to common arm known as access arm. ये आपकी arm है, this is your access arm, जो triangular portion बना हुआ है। इस triangular portion के आगे आगे एक head लगा होता है, उसके थ्रू हम read write operation करते हैं। So ये थी आपकी hard disk। So magnetic disk में आपकी तीन चीजें आती हैं, floppy disk, zip disk and hard disk। Okay? So, अब आपका मैग्नेटिक डिस्क भी पूरा कवर हो गया है, तीनों पोर्शन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें हम कवर करेंगे CD, DVD एंड ब्लूरे डिस्क। नाउ ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो आज के लिए सिर्फ हमारा मेन टॉपिक था मैग्नेटिक डिस्क एंड उसके तीनों टाइप्स, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड हार्ड डिस्क। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। Thank you all.